हां भाई रणबीर सिंह राणा जी वो भी आ जान जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। संयुक्त किसान मोर्चा काफी महीनों तो जो हकों लिए जूझ रहा, तुहाडे जज्बे नूं सलाम, तुहाडे सिदक नूं, तुहाडी सच्चाई नूं, तुहाडे हट नूं, तुहाडी अणख नूं, क्योंकि माण मत्ता इतिहास जिद चों असीं पैदा होए आ इहदे लई किन्नियां कुरबानियां साडियां भैणां मावां बजुर्ग सारे जिहड़े इत्थे इन्ने हौसले नाल बैठे ने। मैं अज ही कनेडा तो आया, पिछले कुछ महीने तो उत्थे सी, ते तुहानूं पता ही है कि पूरी दुनिया लोग सौंदे नहीं उन्होंने मुल्कों में भी, क्योंकि जो इधर कोई भी एक्टिविटी होंगी है जो भी चलता वो 24 घंटे फोन राही सारा वेखी जाते तो थोड़े लिए दुआ करते हैं, अरदासा करते हैं। असी भी मालिक अगे अरदास करते हैं कि सानू फतेह हासिल होवे। कुछ क्योंकि थकेवा जहाज की घूक न कुछ चेता जहा भुल जाता हूँ, इन कुछ शेर याद आ रहे थे पुराने कि देगी उबले जंड नाल बन के साड़े गए हैं, देगी उबले जंड नाल बन के साड़े गए हैं, फांसियां उत्ते चरखड़ियां ते चाड़े गए हैं, किन्ने हमलावारा वलों लताड़े गए हैं, असी पंजाबी किन्नी वार उजाड़े गए हैं। हाकमा सानू सके पुत ना कदे समझिया, हाकमा सानू सके पुत ना कदे समझिया, जग दियां नजरां दे विच सदा विगाड़े गए हैं, किसे गल तो कदे भी तो इंसाफ नहीं मिलिया, हक दा पानी मंगिया अग विच साड़े गए हैं। एक गल तुहानू बेनती कर रही है, शेर एक मिसरा हैगा कि हिम्मत हौसले वलों हमेशा रहिए तकड़े, हिम्मत हौसले वलों हमेशा रहिए तकड़े, एके ते इतफाक च होंदे माड़े गए हैं, खून चीची नू ला के बने शहीद नहीं आपां, बेबी मौत व्याह नू बन के लाड़े गए हैं। ये सारे लाड़े सजे पए आ कि रब उत्ते धरती थले, रब उत्ते धरती थले असी किसान विचाले हाँ, रब उत्ते धरती थले असी किसान विचाले हाँ, फसलों लई धुप च सड़दे किधरे ठरदे पाले हाँ, असी जमीना वाले हाँ जी, असी जमीर वाले हाँ। होनी दियां लोरियां सुन दे मुद्दत तो उणींदे पए, मां लोरी दिंदी बच्चा सौ जांदा, जिहनूं होनी लोरी दिंदे वो नींद किदां आ सकदी है। किसान इस तरह कि इहदा मुढ़ तो मुश्किल आ मुसीबतां नाल वाह कि होनी दियां लोरियां सुन दे मुद्दत तो उणींदे पए, किस्मत नाल मत्था लाइए तूफाना दे पाले हाँ, असी जमीना वाले हाँ, असी जमीर वाले हाँ। सानू देश समाज विरोधी कहिंदे, सानू देश समाज विरोधी कहिंदे, कुछ तो शर्म करो, सानू देश समाज विरोधी कहिंदे, कुछ तो शर्म करो, इतिहास गवाह असी मुढ़ तो भारत दे रखवाले हाँ, असी जमीना वाले हाँ, असी जमीर वाले हाँ। तेरे गुस्से का उबाल तो सानू की डराऊगा, तेरे गुस्से का उबाल तो सानू की डराऊगा, किते पढ़ के वेखी देगां दे विच गए उबाले हाँ, किते पढ़ के वेखी देगां दे विच गए उबाले हाँ, असी जमीना वाले हाँ, असी जमीरां वाले हाँ। तेरे नफरत दे सप्पां नू तां लभ लभ के फड़ लांगे, असी जोगी हाँ जो सारी धरती घूमने वाले हाँ, असी जमीना वाले हाँ, असी जमीरां वाले हाँ। आकड़ ते धौंस ना सहंदे, आकड़ ते धौंस ना सहंदे, देबी दुनिया जान दीए, बस प्यार दी चाबी लगदी सानू ऐसे ताले हाँ, असी जमीना वाले हाँ, असी जमीरां वाले। इन्हां शब्दां नाल तुहाडे सारी संगत दे चरणां च नमन करदा ते परमात्मा अगे अरदास करदे कि सानू फतेह हासिल होवे। इह जिहड़ा इक शेर कहा सी कि हिम्मत हौसले वलों हमेशा रहिए तकड़े, पर एके ते इतफाक च हुंदे माड़े गए, ये हथ बन के बेनती है दुनिया भर च वसदे पंजाबियों वालों, सारे जिहड़े तुहानू वाच कर रहे ने, तुहाडा दुआवां करदे ने, अरदासां करदे ने पूरी दुनिया, क्योंकि साडी एडी मत नहीं जां मेरी कोई औकात नहीं मैं कोई सलाह दे सकां, पर एक बेनती है हथ जोड़ के कि आपो विच जिहड़ी एकता आ वह जरूर बना के रखिए, एक च बरकत है, आप सारे जानते हैं, तुम सारे सियाने हो, तो कोशिश करिए कि अपने गिले शिकवे जिहड़ी रंजिश आ वह फिर कितने अपने घर बह के पंजाब बह के कर सकते हैं, पर इत्थे एक झंडे थले एक राय नाल
चलिए तो बहुत चंगा रहेगा। सो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई देवी का। तो हुण परवीन कौर जी पटियाला दो मिनट लई, उन्हां तो बाद जुगराज सिंह पिंड चरवाल, वह भी सिर्फ दो मिनट लई जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे वल्लों दो शब्द, आप घरों मुका के आटा, आप घरों मुका के आटा, असी लोकां दे चूल्हे बाले ने, असी आप मुका के जूना लोकां दे बच्चे पाले ने, जो दे के कई गुरबानी, जो दे के कई गुरबानी, अतवादी वजदे ने, कन खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, कन खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, कर करके साजिशां सानू दबकाउणा चाहुंदे हो, नाम साडे ते दर्जा तुसी हत्याउणा चाहुंदे हो, किसान बिना ना इंडिया, किसान बिना ना इंडिया, लख सजाया सजदा है, कन खोल के सुन ला सरकारे, अज इक किसान गजदा है, कन खोल के सुन ला सरकारे, अज इक किसान गजदा है, हक लैके घर नू परतांगे, गल कह के आए आ, अज ताई दिल च लखां तसीहां सह के आए आ, दिल च बहुत खोट है थोड़े, दिल च बहुत खोट है थोड़े, ताही गल करनो भजदे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, दादे ने सही 47, बापू ने 84 है, बीच असी नहीं सहनी, हुण तेरी बदमाशी है, पहला धर्म की सांधी, पहला धर्म की सांधी, बिन एदे ना देश भजदे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, असी दुनिया नू रजाउंदे साडे पुत बॉर्डरां ते, तुसी पुलिस वेरी बनाती थले लाके ऑर्डरां ते, जो मन की बात सुनाउंदे, जो मन की बात सुनाउंदे, सिस्टम बेलाजे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, कंध खोल के सुन ला सरकारे, अज किसान गजदे ने, किसान यूनियन, किसान यूनियन, काले कानून, काले कानून, बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साड़ी छोटी बच्ची का। हुण भाई रणवीर राणा जी दो शब्द कहणगे। भाई रणवीर राणा जी, किसान अंदोलन विच बैठे मेरे बजुर्गों, मेरिया मातावां, मेरिया भैणां, बच्चे, सो सब तो पहला एकता का सबूत देंदे हुए एक नारा लाउणा, ते मैं वेखा कि आवाज़ किन्नी क गूंजदी है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। सुगुरु सारिओ, साडा मतलब सिर्फ इत्थे आउण दा, तुहानू सीस चुकाउण लई आए हैं, तुहानू सलाम करन लई आए हैं, तुहाडे जज्बे नू सलाम करन लई आए हैं, कि साडे बजुर्ग, साडे वीर, भावें 26 तरीक तो थोड़े जिहे टेंशन होनी शुरू हो गई सी, पर अज इह तुहाडा इकट्ठ वेख के, अज इह तुहाडा ही ठाठा मारदा इकट्ठ वेख के, फिर एक वारी अंदोलन अपने जोबन ते है पूरी तरह। ते मैं इह जरूर तुहाडे चरणां च बेनती करूँगा सारयां दे, कि जिवें देवी भाजी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये दिबी भाजी हुणे हुणे कनेडा तो सीधे इत्थे आए ने, पहुँचे ने, थोड़ा जिहा सफर का हालात हुंदा, असीं सुनना चाहुंदे सी उन्हां नूं होर भी बहुत सारियां गल्लां। सो स्पैशल अगले दिनां च फिर तुहाडे रूबरू होना है असीं इसे तरह। सो एक बार फिर पूरी कमेटी का, मेरे वीरां दा, सारयां दा शुक्रगुजार हैं, ते ये बेनतियां ने तुहानूं तुहाडे चरणां च, कि एकता बना के रखियो, क्योंकि ये जंग जिहड़ी है एकता नाल जित्ती जाणी है। सो शुक्रिया मेहरबानी, आओ एक जकारा बुलाइए जरा, जो बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई रणवीर जी का। हुण संत फकीर जी कलकत्ते तो, सिर्फ दो मिनट वास्ते संत फकीर कलकत्ता, उन्हां तो बाद जुगराज सिंह चरवाल, गुरमीत सिंह पिंड किशनगढ़ पटियाले तो। तो सबसे पहले मेरे तरफ से सभी आत्मा परात्मा एवं
किसान भाइयों और पिता माता समान बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये जो हमारा जो मोदी सरकार है ये हानिकारक जैसा हो गया, ऐसा हो गया कि जैसा हम लोग कोई भी नशा ले नशा हुआ चीज सेवन करेगा तो हमारा शरीर के लिए हानिकारक है, ये ऐसा ऐसा हानिकारक है ये सरकार। पहले लेकर आया नोटबंदी, भूखमरी, प्यास, कोई इलाज के वास्ते मर गया तो कोई आत्महत्या कर लिया, कितना कुछ हुआ। फिर क्या बोला कि भाइयों बहनों सब बैंक में पैसा रखेगा तो कभी भी वो पैसा बढ़ेगा और घर पे रखेगा तो कभी वो पैसा बढ़ेगा नहीं, ऐसा करके सरकार अभी बैंक लूटपाट करना चालू कर दिया। जैसा देखिए पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक, अभी एक साल हो गया जिसका रोक लगाया 6 महीने के लिए, अभी भी होल्डर को पैसा नहीं दिया, ये वो 1 लाख भी पैसा नहीं दिया। तो सरकार को आपको ये मंच के जरिए कहना चाहता हूँ, सरकार जब हमारा पैसा 1 लाख के ऊपर जो पैसा है बैंक पे रहता है, जब सुरक्षित नहीं है तो तंबाकू गुटखा का पैकेट में लिखा रहता है कि भाई आप सेवन करेगा तो तुम्हारा शरीर के लिए हानिकारक है एवं कैंसर बीमारी, जानलेवा बीमारी हो सकता है, तो हर पासबुक में क्यों नहीं लिख देते। ये हमारा सरकार से मेरा एक सवाल है। उसके बाद जो NRC सीए क्रीन काला कानून लेकर आया, सरकार को ये कहना चाहता हूँ ये हमारा लिए सबसे आपत्तिजनक है। क्या है कि देखिए जैसा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना देश में जैसा ये जाति दंगा झगड़ा होता है तो कोई क्या करते है, कोई जाइन के वास्ते तो कोई रोजगार के वास्ते हमारा भारत देश में, महान भारत देश में आता है। तो अभी सोचिए जो लोग आया वो लोग सोचिए गलती किया, और जो लोग उसको जो डॉक्यूमेंट बना के दिया सोचिए वो भी गलती किया, लेकिन वो लोग जो आके भारत देश में जो औलाद जो पैदा किया, जो वो लोग तो आज उस दुनिया में नहीं है, वो लोग तो मर गया। सोचो जो वो औलाद लोग जो इस दुनिया में है तो उसका क्या कसूर है। उसके लिए हमारा सरकार डिटेंशन टेंट बना के रखा है कि डिटेंशन टेंट में रखो। जैसा एक महाभारत का कहानी सुनाने चाहता हूँ आप लोग के सामने। माता कुंती को दुर्वासा मुनि द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था कि आपने कभी भी कोई भी परात्मा से आप संतान प्राप्त कर सकता है। तो माता कुंती ने विवाह का पहले ही सूर्यदेव से संतान मांगा था तो करण को मिला था। तो माता कुंती ने सोचा कि हम तो विवाह का पहले हम संतान प्राप्त कर लिया तो हमारा कलंक हो जाएगा, हमारा बदनाम हो जाएगा। इसके लिए माता कुंती ने नदी में बहला दिया। तो सारा जिंदगी भर मरते दम तक करण को लालछाना पूरा सहना पड़ा मरते दम तक। तो सरकार को ये कहने के चाहता हूँ, सरकार ये जो हमारा जो भी बाहर देश से परदेशी लोग आता है डॉक्यूमेंट्स बना कर देता है, हमारा ये सब जो भी है हमारा कानून व्यवस्था जो है वो सुधारिए, मगर ये जो बच्चे लोग जो है ये लोग को क्यों ऐसा दंड देने चाहते हैं। उसके बाद सरकार एक कोरोना काल में अचानक लॉकडाउन कर दिया और बोल रहे हैं मैं बहुत बड़ा काम किया, हम कोरोना काल में लॉकडाउन करके हम कोरोना को रोक दिया। रोका नहीं सरकार ने, ये कोरोना जो है ना पूरा देश में फैलाने का काम किया, रोकने का काम नहीं किया। जब जगह में घर में आदमी रहते थे तो कोरोना नहीं फैलते थे, ऐसा किया कि कोरोना काल में भूख मार के बसते आदमी लोग रास्ते में चलने के लिए मजबूर हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया और रास्ते में चलते चलते हमारा जो मजदूर गरीब जनता है वो सब भूखमारी में चलते चलते कितना क्या हादसा हुआ, कितना कोई मर गया, लेकिन फिर भी उसके लिए एक स्टेट में जाने के लिए एक स्टेट में सरकार ने ना ट्रेन चलाया ना बस चलाया, लेकिन अमीर घर का लड़का को लाने के लिए, पूंजीपति लड़के के घर के लाने के लिए सरकार हमारा प्लेन चलाया। हमारा ये सरकार का ऐसा नीति है, ऐसा खोट है। हमारा सरकार मुंह में बड़ा बड़ा बात है बोलता है कि हम गरीबों को लिए है, लेकिन हमारा ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये हमारा सरकार पूंजीपति के लिए है। उसके बाद कोरोना काल में ऐसा क्या हो गया कि आपको सरकार 3 कृषि कानून लाना चाहिए। सरकार आपका ऐसा हमारा अभी इस दुनिया में इतना भ्रष्टाचार इतना ये है कि कोई भी कोर्ट में जाइए, पुलिस चौकी में जाइए, साधारण आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। जब हमारा साथ में ऐसा हालत होएगा तो वो पूंजीपति के लिए हम तो नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट में जाके, तो हमारा उस टाइम पे क्या हालत हो गया। तो लेकिन बात का बहुत समय का बहुत कम है, इसके लिए मेरा साथ में एक हादसा हुआ उसी के बाद से मैं
आप लोग के सामने मैं रखने चाहता हूँ। एक मानसिक बीमार और एक शरीर का बीमार से मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो अप्रैल महीना का 5 और 6 तारीख को बहुत बड़ा हादसा हुआ, वही दो बात बचते, वही बात बोल के आप लोग के सामने ख़त्म करने चाहता हूँ। देखिए बात क्या है, ये करोना के लिए हम बोलने चाहता हूँ कि ये जो करोना बोल के कोई भी बीमारी है 25 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हुआ तो इस फकीर का साजा मौत 25 दिन का, ओनली 25 दिन का। और एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सारे यूट्यूब, सारे फेसबुक, किसान संगठन से हम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा गांधी परिवार तक हमारा आवाज़ पहुँचाने में मदद करिए और इतना ये कीजिए कि हमारा नरेंद्र मोदी का जो मोदी सरकार है इसका कुर्सी हिल सकता है। 25 दिन का अंदर ये कोरोना दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ तो ये मोदी, ये फकीर का साजा मौत। और कोरोना बोल के कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ 5 दिन का छुटकारा मिल जाएगा। इस बात रखने के लिए इस किसान आंदोलन मोर्चा को मैं उल्लंघन किया तो मेरे तरफ से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, क्षमा कीजिए। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।